कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा विचलित कर देती? बचपन के दोस्त से झगड़ा, माँ बाप की आपके करियर को लेकर चिंता, अच्छा किसी का रोड एक्सीडेंट, या फिर किसी मासूम की आपकी आंखों के सामने हुई मौत। कुछ लोग होते हैं जो किसी बच्चे के लगातार रोने से भी सिहर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको किसी 4 साल की मासूम की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान गंगराड़े और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। बात हो रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी की। यहाँ पर 4 दिन पहले एक 4 साल की बच्ची ने इलाज न मिलने पर दम तोड़ दिया था। लापरवाही की मिसाल है कि ना तो यहाँ पर कोई चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद था, न ही टेलीमेडिसिन के लिए व्यवस्था। बच्ची के पिता अजहर ने बताया कि किस तरह सरकारी व्यवस्था ने उनकी बेटी की जान ले ली। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, और टेलीमेडिसिन से भोपाल के चिकित्सकों को बताने के दौरान यहाँ की बिजली गुल हो गई। इसके बाद जनरेटर भी खराब स्थिति में था, इससे बच्ची ने इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। घटना 4 दिन पहले की है। परिजनों द्वारा चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन करने के बाद CMHO ने जनरेटर सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक इस मामले में कोई सुध नहीं ली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज सिंह ने इसका कारण बजट की समस्या बताया। उन्होंने कहा कि 6 महीने पूर्व ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत करा दिया गया था, लेकिन बजट के आवंटन न होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SC रॉय ने उपलब्ध राशि से बंद पड़े जनरेटरों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। देखना है कि महोदय का निर्देश अमल में आता भी है या मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। इस तरह के ढुलमुल रवैये से आखिर कितने मासूम अपनी जान गंवाएंगे? प्रशासन आखिर कब अपनी नींद से जागेगा? अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें वोकल न्यूज़ शहडोल।